सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आदित्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच. सो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, बेहतर चल रही है. तो आपके प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ रितिका जुड़ी हुई है. नाउ रितिका हैज सिक्योर्ड 71 मार्क्स इन ऑडिट, 70 मार्क्स इन लॉ. सो दैट इज ए रियली रिमार्केबल अचीवमेंट. सो होपफुली आप लोग काफी कुछ लर्न करने वाले हो आज इस वीडियो के माध्यम से. आई एम वेरी मच थैंकफुल रितिका कि आपने टाइम निकाला और आप बच्चों को गाइड करने के लिए यहाँ पे आई. ऑडिट लॉ इज समथिंग कि बच्चे डरते हैं कि यार ऑडिट लॉ में पास हो जाए वही बड़ी बात है, और 70 मार्क्स लाना मतलब इट्स लाइक ए ड्रीम फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. सो आई विल लाइक टू गाइड यू रितिका कि आपने ये चीज इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल बनाया. एक चीज और शेयर करना चाहूंगा रितिका के बारे में कि रितिका ने ऑडिट लॉ के अंदर जब क्लासेस लिया था तो सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक क्लासेस के माध्यम से उन्होंने सिलेबस को कंप्लीट करा, बिकॉज शी वांटेड टू गिव लेस टाइम. एंड उसके बाद इनकी जो मेहनत है, इनकी जो डेडिकेशन है, लगातार एक साल तक इन्होंने जो टच मेंटेन करके रखा सब्जेक्ट के साथ, दैट इज रियली कमेंडेबल एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू हर सक्सेस. सो रुतिका, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म. एंड आप स्टूडेंट्स सर शेयर करें कि आपने ऑडिट लॉ की क्लासेस पहली बार कब ली थी और उसके बाद आपने एक साल तक फ्लो को कैसे बनाए रखा ऑडिट लॉ के अंदर. Yes, sir. Hello, everyone. I'm so glad to be here, and it's a great pleasure to be here in front of you all, sharing my experience. Thanks to C.S. Sanidhya, sir. So, starting with my approach, I had completed my classes in around December 19 because I had my exams in May 20. So, my first approach was giving equal importance to all four subjects. You cannot decide ki theek hai. सिर्फ एफ आर और एस एफ एम पढ़ लेंगे, विल गेट 70 और 60 इज देयर एंड विल गेट 40 40 इन ऑडिट एंड लॉ. दैट कैन नॉट हैपन बिकॉज यू कैन नॉट, यू नेवर नो कि आईसीआई कौन सा पेपर डिफिकल्ट दे दे. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टार्ट विद ये माइंडसेट कि आई हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल फोर सब्जेक्ट्स. और कमिंग टू द क्लासेस, मैंने क्लासेस मे 19 में ही कंप्लीट कर दिए थे बिकॉज माई अटेम्प्ट वॉज इन मे 20 एंड ऑडिट क्लासेस इट वॉज अराउंड 40 आवर्स itself, and I had finished that in July 19. ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लासेस, बिकॉज क्लासेस तो रितिका हमेशा पहला स्टेप होता है, ठीक है, क्लासेस हमेशा पहला स्टेप होता है. हजारों बच्चे क्लासेस देखते हैं बट कुछ ही स्टूडेंट्स बहुत एक्सलेंट रिजल्ट अचीव करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज द रिविजन एंड द फॉलोअप. तो आपने किस तरीके से ऑडिट लॉ को रिवाइज करा, आपकी रिविजन स्ट्रैटेजी क्या थी? आप डेली बेसिस में ऑडिट लॉ को रिवाइज करते थे या फिर आप ब्रेक लेकर रिवाइज करते थे या फिर यू हैड डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर बोथ ऑडिट एंड लॉ? आपने फर्स्ट रिविजन कैसे करा एंड उसके बाद मल्टीपल रिविजन करते वक्त आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? डेली रिविजन टेक्निक या फिर ब्रेकअप टेक्निक? ओके, सो कमिंग टू द रिविजन पार्ट, ये सर ने बहुत सही बोला कि क्लासेस मैटर, बट द थिंग इज क्लासेस के टाइम आप कॉन्सेप्ट समझ लो और फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे भी आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो. दैट व्हाट हेल्प्स यू इज द रिविजन, ठीक है, एंड यू हैव टू कीप रिवाइजिंग द थिंग्स. एंड फॉर मी व्हाट हेल्प मी इज द 5 डेज चैलेंजेस. मोस्ट ऑफ देम मस्ट बी नोइंग वेयर सर कंडक्ट्स दिस इन द टेलीग्राम चैनल वेयर ही कीप दिस 5 डेज चैलेंज. एंड लाइक वहां पे एमसीक्यू पोस्ट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ओनली 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. इट्स नॉट लाइक सर पोस्ट सम 10 क्वेश्चंस एंड यू फील बोर्ड कि आई डोंट वांट टू रीड दिस. So first time revision was with myself, like I used to study on my own. Second revision was with my friend, like discussing. Then third revision was this 5 days challenge. जहाँ पे तब मैं मुझे ऐसे लगा कि okay, these are the questions, like this is the way how ICAI asks the questions. Then I felt like yes, I should focus more on revision part on questions, not only studying the provision but also revising the questions which they have asked in previous attempts. And coming to like the methodology I follow for law, it was like in break. Like if I'm studying Indians for 15 days or SFM for 15 days, then I used to take up law for 2 to 3 days. क्योंकि law मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे वो like I had like वो belief थी मुझमें कि हाँ I can complete. So in 3 to 4 days I used to complete. But when I started the same method for audit, it didn't work because audit is huge. तुम कितना भी पढ़ो 5 days 6 days वो complete नहीं हो पा रहा था. Then I decided I have to give 2 hours for audit every day. Religiously I studied audit for 2 days for 2 hours in a day, and that too with my friend where we used to discuss questions. Not only studying what is there in the material, but also discussing the questions with her. This is how I revised audit and law.
ओके सो डेली बेसिस में आपने रिलीजियसली ऑडिट को 2 घंटे तक रिवाइज करा, एंड लॉ के अंदर व्हाट यू डिड इज कि आपने ब्रेक ले लेके पढ़ाई करी, एंड एज यू टोल्ड कि फर्स्ट डिवीजन आपने खुद से करा डिटेल में, उसके बाद आपने बताया कि सेकंड डिवीजन आपने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन करके किया, एंड थर्ड डिवीजन में आपने लॉ एंड ऑडिट चैलेंज दिया. तो लाइक लॉ एंड ऑडिट चैलेंज मैंने करीबन 4-5 बार कंडक्ट किया था इन दिस यस सर, यस। वन ईयर साइकिल. तो आपने एक या दो चैलेंज ही अटेम्प्ट किया या फिर यू अटेम्प्टेड एवरी चैलेंज? नो सर, एवरी चैलेंज आई यूज टू अटेम्प्ट। अगर किसी चैलेंज में अगर मैं पढ़ती भी नहीं थी ना, तो आई आई यूज टू मेक श्योर कि आई अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, बिकॉज व्हेन यू क्लिक दैट करेक्ट आंसर यू गेट दैट पॉपअप, जिससे और मुझे और मजा आने लगा कि आई शुड अटेम्प्ट एमसीक्यू इन टेलीग्राम, बिकॉज इफ यू सिट विद द बुक यू फील वेरी बोर्ड। हाँ मैंने टिक किया एंड देन यू सी द आंसर। So if you even you follow this 5 days challenge, it's actually fun, and that is how I completed my third revision. And fourth revision was with the YouTube lectures, like revision lectures and sir ke audio clips. तो फोर्थ रिवीजन आपने रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब में जो दिए हुए उसको यूज करा, एंड आपने ऑडियो क्लिप्स यूज करे, राइट? Yes, sir. तो रिवीजन पर्पस के लिए लाइक यूट्यूब वीडियोस आपने कितनी बार देखी? 1 बार 2 बार? और ऑडियो क्लिप्स का फ्रीक्वेंसी क्या था? हाउ मेनी टाइम्स यू वॉच द रिवीजन वीडियोस एंड हाउ मेनी टाइम्स यू एक्चुअली हर्ड दोस ऑडियो क्लिप्स? ऑडियो क्लिप्स एक्चुअली बहुत छोटे हैं, तो तुम आप लोग 10 बार भी पढ़ोगे ना, लाइक सुन सकते हो दिन में, क्योंकि देर क्वाइट स्मॉल एंड वेरी लाइक इन ब्रीफ, मतलब समझ सकते हो। इवन द कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो क्लियर एंड इवन यू कैन रिमेम्बर दोस प्रोविजंस विद सेक्शंस जो सर ने डाले। तो एवरी डे आई यूज टू लिसन। अगर मैं पूरा दिन इन डेस्क पढ़ रही हूँ एंड वाइल स्लीपिंग आई यूज टू मेक श्योर कि मैं कोई एक ऑडियो सुन लूँ। इट्स नॉट लाइक सिस्टमेटिक मैनर में कुछ फॉलो कर रही हूँ। कोई एक ऑडियो है डाउनलोडेड है या फिर इवन इफ इट इज नॉट डाउनलोडेड आई यूज टू लिसन ऑन एवरी डे बेसिस। तो दैट्स वाई इवन दैट इज हाउ आई लाइक यूज टू रिमेम्बर द सेक्शन नंबर्स ऑल्सो, बिकॉज सर ने वो भी डाला है सेक्शन नंबर्स, मतलब फॉर एवरी थिंग दिस ऑडियो यू विल फाइंड अ रिविजन लेक्चर इन यूट्यूब। तो ऑडियो क्लिप्स आपने डेली बेसिस में यूज करा, रिवीजन वीडियोस आपने एक बार देखा, और चैलेंज आपने हर बार अटेम्प्ट करा. मतलब मैं कह सकता हूँ कि यार चैलेंज आपने 3-4 बार देखा तो 4 रिवीजन वहां हो गए. ऑडियो क्लिप अगर आप डेली सुन रहे हो तो ऑडियो क्लिप के थ्रू ही आई बिलीव कि 5-6 बार आपका रिवाइज हो गया होगा, और रिविजन वीडियोज के थ्रू 1 बार रिवाइज हो गया, प्लस आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशन करा. तो यानी कि आपने मल्टीपल रिविजन इंश्योर करे हैं, एंड एक्चुअली दिस इज द करेक्ट मैनर कि हाउ यू कैन रिवाइज द सब्जेक्ट 7 to 8 times, बिकॉज बुक में वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करके आप कभी भी 7-8 पर रिवाइज नहीं कर सकते हो. नॉट व्हाट यू डिड फॉर क्वेश्चंस, ये तो कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट हो गया. क्वेश्चंस के लिए आपने क्या किया? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने कहाँ से करी, कैसे करी, और आपने रिटन प्रैक्टिस के लिए क्या किया? व्हाट यू डिड फॉर रिटन प्रैक्टिस एंड प्रेजेंटेशन? ओके। सो कमिंग टू द क्वेश्चंस, जैसे मैंने प्रोविजन समझ लिया ना, तो तब मुझे ऐसे लगा कि लेट मी ट्राई फॉर द क्वेश्चंस, बिकॉज माय फ्रेंड वन ऑफ माय फ्रेंड शी फोर्स मी अ लॉट कि गो विद टेस्ट सीरीज ऑफ अपना मेंटर, बिकॉज शी हैड टेकन फॉर ऑल द 8 सब्जेक्ट्स एंड शी कुड इवन सी द डिफरेंस कि हाँ मुझे ये पहले नहीं आ रहा था एंड नाउ आई कैन अटेम्प्ट। सो आई थॉट ओके लेट मी गिव अ ट्राई। सो मैंने एक टेस्ट सीरीज लिया अपना मेंटर के, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं लिख के सॉल्व करूँ। तो आई यूज टू सी ओनली क्वेश्चन, देन आई रियलाइज कि हाँ मुझे प्रोविजन तो आता है, बट वेन आई एम सीइंग दोज क्वेश्चन दे आर नॉट एट ऑल सरल, मतलब दे आर नॉट एट ऑल इजी, दे आर नॉट आस्किंग इन इजी मैनर। सो ऑब्वियसली इट्स अ सीए एग्जाम, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। सो दिस थिंग आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, प्लीज प्लीज क्वेश्चन देख के जाना और आंसर्स भी देख के जाना कि हाउ यू हैव टू पुट देम, ताकि तुम आप लोग समझ सको कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर टेस्ट सीरीज। एंड कमिंग टू द क्वेश्चन फॉर लॉ, आई रिमेम्बर आई टुक रामबन सर का, वेर ही हैज एक्सप्लेन ओनली क्वेश्चन आंसर्स। आप प्रोविजन समझ लिए, रिविजन भी कर लिए, एंड सर ने इसके लिए भी ही हैज कम आउट विद दिस ऑल्सो, दिस फेसिलिटी ऑल्सो, वेर इज डिस्कसिंग ओनली क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो दैट वॉज ऑल्सो ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू मी। ओके, एंड क्वेश्चंस लाइक डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यूज, तो आपने डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यूज में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसमें दिया? कितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें? टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने एमसीक्यूज इतने प्रैक्टिस नहीं किए, सिर्फ जो टेलीग्राम पे आते थे सिर्फ उतने देखे कि अच्छा इस तरह से पूछा जाता है और ऐसे ऐसे मुझे मतलब पहले जो आंसर नहीं है उसको निकालना है, देन आई हैव टू थिंक ओके दिस माइट बी द आंसर। सो दैट वॉज माई अप्रोच फॉर एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू इतने हैं नहीं जहाँ पे आप जितना फोकस कर सको।
either you have to create on your own or follow the one which sir has been creating. तो वो मैंने एमसीक्यू के लिए किया और डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने सिर्फ जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस थे वो वाले फॉलो किए. ओके, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने वो वाले फॉलो करे एंड लिख के देखते थे आप, लिख के प्रैक्टिस करते थे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की या सिर्फ ओरल ओरल बेसिस में रीड कर लेते थे? या एक्चुअली मतलब द बेस्ट पार्ट इज मेरा मतलब मेरी आदत ये है कि जैसे मैं फर्स्ट रीडिंग भी करती हूँ या सेकंड रीडिंग करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम आई राइट. मतलब मे बी इन बैड हैंड राइटिंग ऑल्सो मे बी लाइक इवन इफ आई स्क्रिबलिंग मैं कुछ ना कुछ ऐसे लिखते रहती हूँ ताकि इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया कि हाँ आई कैन राइट. बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट राइट द टेस्ट सीरीज इसलिए मुझे टाइम मैनेजमेंट मतलब द टाइम मैनेजमेंट इश्यू आई फेस्ड इन लॉ एग्जाम. इसके लिए मुझे अभी भी लगता है कि हाँ मैं और मैनेज कर पाती. एंड लाइक जो सेक्शन नंबर्स जो सेक्शन नंबर्स होते हैं, रेफरेंस नंबर्स होते हैं, वो आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंस रखता है और प्रेजेंटेशन आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंस रखता है एनसीईए एग्जामिनेशंस? ओके, एज पर मी सेक्शन नंबर्स कोट करना एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैसे होता है कि जो मतलब द वैल्यूअर फील्स लाइक ओके शी नोज द सेक्शन नंबर ओके शी नोज दिस प्रोविजन तो एक्चुअली कहीं ना कहीं वेटेज मिलता है वो आंसर को. तो इसलिए मैं जब फर्स्ट रीडिंग से पढ़ रही थी आई मेड श्योर ऑल द इम्पोर्टेंट सेक्शंस आई रिमेम्बर आई लर्न देम एंड आई कीप सीइंग आल्सो आई कीप रिवाइजिंग देम. तो एज पर मी सेक्शन नंबर्स लर्न करने चाहिए. ओके, एंड डिड द वॉइस क्लिप्स हेल्प यू इन लर्निंग द सेक्शन नंबर्स? यस सर, बिकॉज़ यू हैव टू लाइक यू आई फील देयर आर 4 to 5 ऑडियो क्लिप्स इवन फॉर लॉ एज वेल एज कंपनी ऑडिट which has helped me a lot क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं अब it's very difficult to remember the numbers like 169 164 section for this director that director. तो इसे जैसे सर एक्सप्लेन करते थे सर ने एक सीन मतलब इन सीक्वेंस ही स्टार्टेड ऑल्सो इन द लाइक द रिवर्स मैनर सो दैट हैड हेल्प मी अ लॉट. ओके, एंड हाउ इम्पोर्टेंस इज द प्रेजेंटेशन इन सी एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू यू? प्रेजेंटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? ओके ओके, एज पर मी प्रेजेंटेशन व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन आई फील यू शुड राइट व्हाट इज रिलेवेंट एंड टू द पॉइंट क्योंकि मैंने ऐसे नहीं कि हाँ मुझे ये पता है तो मैं सब कुछ लिखूं. इफ दे आर आस्किंग अबाउट 165 क्वेश्चन यू जस्ट राइट ओनली अबाउट 165 सेक्शन और जो पूछा है वैसे लिखो. और एग्जाम के पहले दिन क्योंकि मेरे अंदर वो डर था कि मैंने टेस्ट सीरीज लिखे नहीं है और मेरे फ्रेंड्स ने लिखे हैं तो मे बी they are better in presentation. पर exam के पहले दिन I saw a message from Sanidhya sir कि about presentation tips where he has given that how we have to start. You have to start with the provision, then you have to write about the case study, like where you are relating provision with the case study, and then you write a conclusion. And sir ने इतना भी लिखा था कि it's enough if you finish up like if you write a conclusion in like in a single sentence. वो मेरे दिमाग में था एग्जाम लिखते हुए हाँ मुझे सिर्फ कंक्लूजन एक लाइन में लिखना है. एंड इवन सर हैज लाइक ही गिव स्ट्रेस दैट डू नॉट जंप टू अ कंक्लूजन इफ यू डोंट नो कंक्लूजन देन डोंट राइट इट बिकॉज कोई प्रोविजन पता है सिर्फ प्रोविजन लिखो बात खत्म. इफ यू आर वेरी श्योर देन यू राइट अ कंक्लूजन. ओके, तो आपने 8-9 बार रिवीजन कर लिया बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, डिस्कशन विद फ्रेंड, ऑडियो क्लिप्स, रिवीजन वीडियोस, टेलीग्राम चैलेंजेस. सो ऑल दिस टेक्निक्स रुतिका हैज यूज्ड टू एंश्योर 8-9 टाइम्स रिवीजन. सो 1.5 डेज में डोंट थिंक आपको तकलीफ आई होगी आफ्टर डूइंग सो मच? यस सर, बिकॉज एसएफएम लाइक सबने सुना भी होगा और जिसने फर्स्ट ग्रुप दिया है उनको पता भी होगा कि दिस टाइम एसएफएम वाज टेरिबल. Even while I was writing exam, the tears were so close to me. And while returning back to home, I was crying. और आने के बाद तो मतलब I was completely shattered कि ये क्या हो गया पूरे साल की मेहनत गई. और जैसे इस बार opt out option दिया था, almost सब बच्चों ने सोचा ठीक है opt out करो जान में दो. But like it may feel like it may come out as very cliche, but I'm a huge fan of Mahabharat. तो वो बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कहीं ना कहीं कि महाभारत वॉज फाउट फॉर 18 डेज तो एक दिन में महाभारत जीती नहीं गई थी तो आई हैव टू गेट दिस करेज एंड फाइट टिल द एंड. ऐसे ही बीच में छोड़ देती तो पक्का आज मैं ना यहीं या नहीं होती.
तो दैट गेव मी करेज, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव दैट आपने ऑडिट और लॉ को इतना टाइम दिया है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा. तो उस बिलीफ पे मैंने ऑडिट और लॉ दिया और सरप्राइजिंगली इस पेपर में मेरे को ज्यादा मार्क्स आए ये दो पेपर्स में. राइट. सुरुतिका, आई थिंक यू हैव क्लियर्ड योर फर्स्ट ग्रुप एंड योर सेकंड ग्रुप इज पेंडिंग, राइट? मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि अगली बार हम लोग रुतिका से दोबारा मिलने वाले हैं, दोबारा से एक इंटरव्यू लेने वाले हैं फॉर गेटिंग मोर देन 80 मार्क्स इन इकोनॉमिक लॉज, एंड रेदर 80 भी नहीं, 90 मार्क्स का टारगेट रखने वाली है रुतिका, दैट शी इज गोइंग टू गेट 90 मार्क्स इन इकोनॉमिक लॉज. माई सपोर्ट इज विद यू एंड वी आर गोइंग टू टारगेट फॉर दैट एंड टेक इंटरव्यू अगेन. Right. Thank you, sir. Thank you so much, Rutika, for giving your valuable time. मैं आपसे request करूंगा कि आप certified copy जरूर मंगाना, students के लिए बहुत helpful रहेगा. मेरी तरफ से आपको कुछ भी support चाहिए economic loss paper 6D के अंदर, I am with you. आप audit law में 70 plus लेकर आए हो तो economic loss में तो आपसे 90 चाहिए. And I want to take your interview again. And any final message, Rutika, for students from your side, then you can just convey to the students. Okay. Okay. The one thing I would like to tell is. I know it's a long process. Just feel motivated every time. Even if you feel low, just talk to people around you. Just find inspiration around you. Even in small things, even maybe in your parents, just feel motivated and believe in yourself, believe in God. Keep smiling. Ho jayega. Agar maine kiya hai, to koi bhi kar sakta hai. Right. तो अगेन एज रुतिका सेड, कीप स्माइलिंग. आपको भी हमेशा हंसते रहना है, हंसाते रहना है. टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं करनी, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना है. सबसे इम्पोर्टेंट है, रुतिका ने एक साल पहले क्लासेस ली थी, एक साल तक ऑडिट लॉ के साथ इसने टच मेंटेन करा, इसने डेडिकेशन के साथ हर एक चीज फॉलो करी. एवरी टाइम आई टूक ए चैलेंज शी पार्टिसिपेटेड. डेली बेसिस में शी यूज टू हियर ऑडियो क्लिप्स, सी देयर विजनरी वीडियोस, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैंने जो भी टिप शेयर करी एग्जाम से एक दिन पहले इसने डेडिकेशन के साथ इंप्लीमेंट करा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना कंसिस्टेंसी दिखाओ, एंड रितिका ने बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन करा, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी एंश्योर करा. शी हैड दैट पैशन टू स्टडी लॉ, शी हैड दैट पैशन टू स्टडी ऑडिट, शी हैड दैट कंसिस्टेंसी इनसाइड हर, शी हैड दैट विल टू परफॉर्म वेल. एंड सबसे बड़ी बात, एसपीएम का पेपर इतना टफ था, लेकिन उसके बाद भी शी वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरा पेपर भी बाकी है एंड ऑडिट लॉ आई विल स्कोर वेल. सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द सब्जेक्ट्स एज रितिका डिड. So thank you, Rutika, for your valuable time. Request कर रहा हूँ आप सबसे वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करो, रुतिका के लिए लाइक करो, to show support to Rutika, and all the very best, Rutika, for your second group as well as for your career. We are with you, I am with you, team Apna Mentor is with you, and all the very best. And you can also wish all the best to all the students. And hopefully हम ऐसे बहुत सारे students के साथ अगली बार भी interview conduct करने वाले हैं जो audit law में 70 दोनों subjects में लाने वाले हैं. Yeah. Good luck to everyone. Okay. Thank you. Okay. All the best, Rutika, and all the best, everyone. Love you all. Take care. Keep studying. Be motivated.